पकड़े हुए पकड़ना कितने ग्राम का होगा? ये होगा 3-4 ग्राम का। कितने ग्राम का होगा? 3-4 ग्राम का। अच्छा, तो ये काटते हैं लेकिन ये काटेगा नहीं, कितना हल्का हो रहा है कि नहीं? खत्म। ये खत्म आपके सामने क्या हो रहा है अब वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको। होता है बेचारे जो नई शौकीन आते हैं जिनको नहीं पता होता, वही बेचारे इनके हत्ते। अस्सलाम वालेकुम, बस क्या उम्मीद करता हूँ जाकर मैं खैर से होंगे। इस वक्त मौजूद हूँ भाई लालू के बर्ड मार्केट में, और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भाई किस किस तरीके से आप लोगों के साथ जो यहाँ पर फ्रॉड किया जाता है। किसी भी मार्केट की बात कर ले तो आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है अच्छे परिंदे दिखाकर खराब परिंदे चिपकाए जाते हैं, और तरीकाकार क्या होता है, किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, किस तरीके से आपको दिमाग को एक तरीके से सुन कर देते कि आप खराब चीज़ लेते हुए भी जो है आपको ऐसा लगता है जैसे हम बहुत अच्छी चीज़ ले रहा है। तो पूरा तरीका आपको बताएंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो डेली बेसिस पे ऐसी वीडियो मिलती रहे। अब जरा चलते हैं, दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरीके से जो आप लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है मार्केटों में। फिर यहाँ पर ये बच्चा नज़र आया, अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस तरीके से खराब परिंदे चिपकाते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कि इसके पास क्या क्या पीस मौजूद है और रेट वगैरह की क्या मांग रहे हैं इसके। 300। कितना? 300 का जोड़ा है। 300 रुपये का जोड़ा है। वैसे कितने का चल रहा है? वैसे हमारे को 250 का मिलता है। नहीं नहीं, वैसे कितने का चल रहा है मार्केट में? मार्केट में दिखा मुझे पीस, दिखा। तो भाई इससे पीस निकलवाते हैं, पीस दिखा मुझे अच्छे वाले भाई, देखें कितना डिस्काउंट दे रहा है हमें। अबे खो निकाल के तो दिखा अच्छे वाले। तो अभी पीस निकाल रही है, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या तमाशा है इसके अंदर। ये क्या है? मादी है, मादी है ये। ठीक है भाई, ये पहला पीस इसने निकाला, तो देख सकते हैं आप लोग। पाँव उड़ा हुआ है इसका, पाँव खराब है, थोड़ी चोट लगी हुई है, थोड़ी चोट लगी है, पाँव भी मुड़ा हुआ है पूरा। तू बोल रहा है पूरी चोट लगी हुई है, टांग मुड़ी हुई है ना? सही निकाल, सही वाला, अच्छा वाला निकालना यार, ऐसा तो नहीं करना, पैसे ले रहा है तू। ये देखे भाई, ये दूसरा पीस निकाला, ये देखे भाई, ये मुश्किल से दो तीन। अंकल ये पकड़ना कितने ग्राम का होगा? ये होगा 3-4 ग्राम का। कितने ग्राम का होगा? 3-4 ग्राम का। 3-4 ग्राम का तो होगा ना, तो देख ले भाई, ये होता है, ये विमान नहीं चाचा, ये सूखड़े में होता है, ये खत्म पीस होता है ना, ये ना उड़ सकता है ना कोई ब्रीड करेंगे किसी काम की, नहीं ये वो पीस है। तो ये जो है यहाँ पर वैसे तो ये गरीब बनते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ पर बेचारे गरीबों को चिपकाते हैं ये, तो इनका ये देख लिया अपना किस तरीके से। तो ये अंकल भाई अंकल देख सकते हैं, ये देखे हालांकि मुझे काट रहा है ना, मुझे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई खारिश कर रहा हूँ मुझे, हालांकि बजरी ऐसा काटते हैं कि खून निकाल देते हैं। तो देख ले भाई, जैसे खराब पीस होते ना ये लोग खरीदते हैं, फिर ये बेचारे नए शौकीन आते ना उनको चिपका देते हैं, ये होता है। ये अभी भी एक को चिपकाया इसने, मैं देख रहा था, मैंने बोला चलो दे दो इसकी रोजी है, ये होता है गेम। तो तुझे अब्बा ने लाके दिया या तो खुद खरीदता है? खुद खरीदता है। चल सही है भाई। तो फिर यहाँ पर ये भाई ने जो है वो ऐसे ही फ्रॉडियों से परिंदे खरीदे, अभी चलकर देखते हैं इन्होंने क्या खरीदा है। आप लोगों को मैं एक एक पीस दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से इनको चूना लगाया। तो ये भाई ज़रा जल्दी में इनको रोकते हैं और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को पीस के पीसों का क्या हाल हो रहा है, आप खुद देखेंगे पीसों का क्या हाल हो रहा है। भाईजान एक मिनट दिखाओगे? भाईजान तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई पीसों में क्या हाल हो रहा है। तो ये देखें भाई, पहला पीस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आपको क्या बोला? पट्ठे, पट्ठे बोल के दिया। अब ये आप लोग देखते जाए पीस सारे, ठीक है? इसको आपको पीस आपने पकड़ा नहीं था कोई पीस, इसको वजन उठाओ, वजन देखो, इसको वजन तो देखो, पकड़ो इसको, ये काटेगा नहीं आपको, वैसे तो ये काटते हैं लेकिन ये काटेगा नहीं, कितना हल्का हो रहा है कि नहीं? खत्म। ये खराब पीस, ये जरा जो है भाई इनको नहीं पता था, यही होता है नए जो बेचारे शौकीन आते हैं वही इनके हत्ते चढ़ते हैं। तो ये देखें, ये खारिश में आया हुआ है, ये देखें ये चर्बी में आया हुआ है, इसको देखो, खैर आपको इतनी पहचान नहीं होगी, ये चर्बी में आया हुआ है। कितने के दिए आपको? 5,000 के। माशाल्लाह सब भर दिए, माशाल्लाह। ये देख ले भाई, ये पीस देख ले आप लोग, मतलब इस वक्त मैं पकड़ रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि इनको क्या जो चिपका है। तो यही होता है भाई, नो जो बेचारे नए शौकीन आते हैं। एक और पीस ये देखें भाई, ये पीस आप लोग देखते जाएं, ये आया हुआ खारिश में, ये वाला आपने ये आपने देखा ही नहीं, हाल क्या हो रहा है इसका,
तो देखा नहीं, यही तो होता है भाई। ये ये देखा तो ये हाल देख ले भाई, पीस का आपके सामने क्या हो रहा है। अब वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा आपको। तो मैं आपके करीब आया, लेकिन आप जब तक पेमेंट कर चुके थे, वरना मैं आपको दिखाता। ये देखे भाई, ये पीस देखे हम लोग, ये देखे, ये कुछ किसी काम का नहीं है आपके। खैर ये कि बच्चों का शौक पूरा हो जाएगा इससे, बाकी तो क्या कहोगे भाई ऐसे लोगों के बारे में। तो अभी आपने ले लिया, अभी मुझके आप फिर ये तो गलत है ना ये। तो बस वही, तो यही तो होता है बेचारे, जो नए शौकीन आते हैं जिनको नहीं पता होता, वही बेचारे इनके हत्ते चढ़ते हैं। अब ये देते कम में, अब आपने आगे रेट ले होंगे, आपको एक जोड़ा 3,500-4,000 का मिल रहा होगा। इसने माशाल्लाह 4,000 में आपको पूरा पिंजरा भर के दे दिया। तो यही होता है, ये खराब परिंदे खरीदते हैं सबसे, और फिर बेचारा जो नया शौकीन आता है उसको चिपका देते हैं। ठीक है भाई, चलो आपका आपका अब हो गया। सोचा ये सही कोई भी पीस नहीं होता, कोई पागल थोड़ी है जो डबल वो 5,000 की चीज को क्यों 2,000 में देगा। जाओ लेके जाओ। तो ये भाई जा रहे हैं भाई उसको देखने के लिए। ये कि मैंने भी मेरे ख्याल में वीडियो नहीं बनाई हुई या मुझे याद नहीं है, बाकी ये कि देखते हैं कहाँ है वो। अगर हुआ तो भाई ये वापसी कराएंगे, देखता हूँ भाई मैं कुछ देर वेट करता हूँ यहीं पर, अगर मिल जाता है तो। अभी वो बंदा तो नज़र नहीं आया, फिर भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये अभी आवाज़ें लगा के जो है यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे होते हैं, और यहाँ पर जो है जो क्वांटिटी में सेल करने आए होते हैं, तो जब इनके पास ख़राब परिंदे होते हैं तो फिर ये के ये लोग ले लेते हैं। देख सकते हैं भाई ये अभी भी आवाज़ लगा रहा है। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से, मैंने आप लोगों को पूरा तरीकेकार दिखाया किस तरीके से जो है ख़राब परिंदे जो है कम रेटों में, कम रेट से मुराद ये कि जो चीज़ 4,000 की है वो ये लोग तकरीबन 3,000 में, क्योंकि इनके खरीदे हुए 250-300 रुपये के खरीदे हुए थे, इससे ज़्यादा के नहीं खरीदे हुए थे। तो सीधे सीधे जो अच्छे परिंदे लेकर आते हैं वो भी इतना नहीं कमाते जितना ये लोग जो है दो नंबर ही से कमा लेते हैं, और दिखाते ये ऐसे कि हम जैसे गरीब हो, लेकिन ये जो है इतना यहाँ पर एक दिन में बिजनेस कर लेते हैं कि आपकी सोच है, क्योंकि इनके दिखने में सारे एक जैसे होते हैं, आप लोगों को पता नहीं लगता भाई मैंने लिए किससे थे, और ये जो है चिपकाने के बाद जो है गायब हो जाते हैं। तो अभी मजीद भी कोशिश करता हूँ, अगर कोई ऐसा हाथ लगे फ्रॉड या तो आप लोगों को दिखाऊँ कि और वो किस किस तरीके से हमें जो बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, और जो ख़राब पीस होंगे वो ये इनसे ले लेंगे। तो इस तरीके से ख़रीदते हैं, तो जो ख़राब पीस होते हैं वो ये लोग ख़रीदते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो ये लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है रेटों में मिलेंगे। अब ये है कि ख़राब परिंदे इनको कम में मिल जाते हैं, सस्ते दामों मिल जाते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ये देखें अभी ये भी जो है बिल्कुल मुर्दार पीस है। अब ये क्या करेगा कि 100 रुपये का पीस लिया हुआ होगा, ये 300-400 रुपये में, क्योंकि सस्ता ही बिकता ही है, तो इतने में जो है ये किसी भी जो है किसी को भी चुपका देगा। और ये इनके हाथ वही लगते हैं, इनके हाथ बेचारे वही लगते हैं जो कि बेचारे जो है फर्स्ट टाइम लेने आए होते हैं, जिनको पता नहीं होता, तो वही इनके हत्ते चढ़ते हैं और जो है बेवकूफ़ बन जाते हैं बेचारे। और ये है कि ये लोग भी जो है अपना इस तरीके से दो नंबर ही करते रहेंगे। हमारा मकसद होता है आप लोगों को समझाना कि आप लोगों के साथ जो है किस किस तरीके से जो है फ्रॉड किया जाता है, ताकि आप लोग जो है ऐसे लोगों से बच सकें और अच्छी चीज़ खरीद सकें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो जो है पसंद आएगी। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो तो आप लोगों को मिलती रहे, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कर दें, और साथ ही साथ जो है वीडियो जैसे एंड होगी इंशाल्लाह आपको नई वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को भी लाजमी देखिएगा। आप लोगों को जो है इसी तरीके से मैं बताता रहूँगा किस किस तरीके से जो आप लोगों को चूना लगाया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।